डिजिटल लाइब्रेरी हुशियारपुर विखे अशोका यूनिवर्सिटी के सहयोग नाल नौजवानों नूं अपने कैरियर संबंधी जानकारी देण लई डिप्टी कमिश्नर मैडम कोमल मित्तल की अगवाई विच कैंप लगाया गया, जिस दौरान मैडम ने कहा कि समय समय से इस तरह के कैंप लगाए जाने चाहिए ने ता जो बच्चों नूं अपने कैरियर संबंधी जानकारी मिलती रहे। असीं अपनी डिजिटल लाइब्रेरी हुशियारपुर के लगातार ही कुछ ना कुछ कोर्स सैमीनार्स वगैरह करते आ रहे हैं ताकि बच्चों अगे अपने फ्यूचर करियर के लिए हेल्प मिले। इसी दे विच असीं अज एक करियर काउंसलिंग कोर्स किया है विद अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत के एक एस्टैब्लिश्ड बहुत ही प्रख्यात यूनिवर्सिटी है, वो काफ़ी अलग अलग तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं। अच्छ उन्होंने वालों इतने आके बच्चों ने एक करियर काउंसलिंग लैक्चर दिता गया, जिस बच्चों किस तरह वो अपने 11th-12th स्टैंडर्ड के बाद डिफरेंट कोर्सेज चूज कर सकते हैं, इस बारे जानकारी दी गई है। बेसिकली साडा फोकस यही है कि इस लाइब्रेरी के असी इस तरह की एक्टिविटीज़ बताइए ताकि बच्चों अपने करियर बारे एक स्मार्ट चॉइस करन दा ऑप्शन मिल सकन। तो सानू बड़ी खुशी है कि साड़ी लाइब्रेरी में लगातार इस तरह की एक्टिविटीज़ वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो बच्चे भी जो इतने आते हैं रेगुलरली वो भी बड़े इनिशिएटिव से। हुशियारपुर तो दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट, युग मार्ग टीवी। डिजिटल लाइब्रेरी हुशियारपुर विखे अशोका यूनिवर्सिटी के सहयोग नाल नौजवानों नूं अपने कैरियर संबंधी जानकारी देण लई डिप्टी कमिश्नर मैडम कोमल मित्तल की अगवाई विच कैंप लगाया गया, जिस दौरान मैडम ने कहा कि समय समय से इस तरह के कैंप लगाए जाने चाहिए ने ता जो बच्चों नूं अपने कैरियर संबंधी जानकारी मिलती रहे। असीं अपनी डिजिटल लाइब्रेरी हुशियारपुर के लगातार ही कुछ ना कुछ कोर्स सैमीनार्स वगैरह करते आ रहे हैं ताकि बच्चों अगे अपने फ्यूचर करियर के लिए हेल्प मिले। इसी दे विच असीं अज एक करियर काउंसलिंग कोर्स किया है विद अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत के एक एस्टैब्लिश्ड बहुत ही प्रख्यात यूनिवर्सिटी है, वो काफ़ी अलग अलग तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं। अच्छ उन्होंने वालों इतने आके बच्चों ने एक करियर काउंसलिंग लैक्चर दिता गया, जिस बच्चों किस तरह वो अपने 11th-12th स्टैंडर्ड के बाद डिफरेंट कोर्सेज चूज कर सकते हैं, इस बारे जानकारी दी गई है। बेसिकली साडा फोकस यही है कि इस लाइब्रेरी के असी इस तरह की एक्टिविटीज़ बताइए ताकि बच्चों अपने करियर बारे एक स्मार्ट चॉइस करन दा ऑप्शन मिल सकन। तो सानू बड़ी खुशी है कि साड़ी लाइब्रेरी में लगातार इस तरह की एक्टिविटीज़ वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो बच्चे भी जो इतने आते हैं रेगुलरली वो भी बड़े इनिशिएटिव से। हुशियारपुर तो दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट, युग मार्ग टीवी।